दोस्तों, एसएससी ने एक पर्सनल लेटर भेजा है एक कैंडिडेट को। जी हाँ, उसके पर्सनल रेसिडेंस पे एसएससी के नॉर्दर्न रीजन हेडक्वार्टर की तरफ से ये लेटर गया है। अब ये लेटर लव लेटर नहीं है, तो आप ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए। ये लेटर है शायद फ्रॉड से रिलेटेड, ये इम्पर्सोनेशन का केस कन्फर्म करना चाहती है एसएससी। तो इसी के संदर्भ में एक पर्सनल लेटर आया है कैंडिडेट को। ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ आपने भी ऐसी कुछ गलती की है तो उसको आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उससे डील कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे एक बार फिर सेना अकेडमी लेके आ रहा है बैचेस एसएससी सीजीएल और सीजीएस सीएचएसएल 2020 के लिए, और बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। और ये सारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। 29 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है और ये 5 एजुकेटर पढ़ाएंगे चैलेंजर्स बैच में। ये एक स्पेशल बैच है 2020 सीजीएल के लिए। ये ब्रह्मास्त्र बैच है जो कि सीईटी के लिए डिजाइंड है इन पर्टिकुलर, जो कि 2021 से होगा। और ये वाईफाई स्टडी का एक स्पेशल बैच है, अगर आप उन्हीं के एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो ये उनके लिए स्पेशल बैच है। और आईबी का फॉर्म आया है हुआ है उसके लिए स्पेशल बैच, एमटीएस के लिए भी है और सीजीएल के लिए तो है ही। और 31 दिसंबर से आपका प्राइस हाइक होने वाला है, तो उसके पहले एडमिशन ले लीजिए। मेरा कोड WWSHL विशाल यूज़ कीजिए 10%। अब दोस्तों, जो ये लेटर है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ और यहाँ पे अभी आप लेटर देख पा रहे हैं। अगर आपको हिंदी आती है फिर तो आप पढ़ सकते हैं, अगर हिंदी नहीं आती है तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, जब भी आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, टीयर 1 हो या टीयर 2 हो या टीयर 3 हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, हर बार आपको एक कमीशन कॉपी आपको साइन किया करवाया जाता है। उसमें आपका सिग्नेचर होता है, आपका थंब इम्प्रेशन होता है, आपकी फोटो होती है। फोटो आपको लगाना नहीं होता है, पहले से ही होता है। तो ये जो लेटर है ये इसी से रिलेटेड है। एसएससी ये कह रही है इस लेटर में कि डियर कैंडिडेट, आपका जो सिग्नेचर है, जो थंब इम्प्रेशन है, वो मैच नहीं कर रहा है। दरअसल एग्जाम्स, ये एसएससी एमटीएस का होने वाला है वेरिफिकेशन अभी, और एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। उस टाइम एसएससी ये कमीशन कॉपी को चेक करती है, वेरीफाई करती है, तो वो सेम नहीं आ रहा है। तो उसी के रिलेशन में ये लेटर लिखा है एसएससी ने पर्सनली उसको कि देखिए, आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो थंब इम्प्रेशन है, वो सेम नहीं है, और फोटो भी कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे। तो आपको क्लैरिफिकेशन के लिए 29 दिसंबर को आपको एसएससी के हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ेगा, कन्फर्मेशन कीजिए, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अगर आप नहीं आते हैं 29 दिसंबर को तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और आप कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये एसएससी ने साफ साफ इन शब्दों में कहा है। तो यहाँ पे एक खबर तो उनके लिए है, जो इम्पर्सोनेशन करते हैं उनके लिए बुरी खबर है कि ऐसा मत कीजिए, आप आगे जाके पकड़े जाने वाले हो। तो इसलिए बेटर है कि शुरू से ही आप इस चीज़ में मत फंसिए, नहीं तो आपका फ्यूचर किसी भी एग्जाम के लिए आपका कैंडिडेशन बैन हो जाएगा। और वैसे बच्चे जिन्होंने गलती कर दी है बाय मिस्टेक, जैसे कि ऐसा होता है एग्जाम में आप हॉल में जाते हो, आप काफ़ी नर्वस रहते हो, आपका हाथ शेवर करते रहता है, कांपते रहते हो आप, तो उस टाइम अगर आपके पास कमीशन कॉपी आई, कहा गया सिग्नेचर करो, थंब इम्प्रेशन लगाओ वहाँ पे, और नर्वसनेस में आपने सिग्नेचर सही से नहीं किया जैसे आप करते हो, थोड़ा सा हाथ आपका हिल गया या कुछ हो गया, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मौका देती है एसएससी बाद में कि आपका सब कुछ जो है वो वेरीफाइड हो, ओरिजिनल हो। तो इसीलिए अगर आपने कुछ गलती कर दी है थंब इम्प्रेशन लगाने में या फिर कुछ और करने में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मौका देगा एसएससी बिल्कुल। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे एक सलाह भी है कि जब भी आपको कमीशन कॉपी मिले उसको आप सही से भरिए, उसको बस एक फॉर्मेलिटी आप नहीं समझिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके वेरिफिकेशन का, तो इसको आप बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे से भरिए। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मेलिटी है, कुछ भी भर के चल हटा दो, मेरा तो ध्यान एग्जाम पे है, एग्जाम कुछ काम नहीं आएगा अगर आपने यहाँ पे कुछ गलती कर दी तो। तो इसीलिए जो आपका सिग्नेचर है, जो आपका थंब इम्प्रेशन है, जो आपकी फोटो है, पीछे आपको आपकी हैंड राइटिंग, आपकी रनिंग हैंड राइटिंग में आपको एक टेक्स्ट भी लिखवाया जाता है, वो भी आपका हैंड राइटिंग से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कैजुअली कुछ भी लिख दिया, आपका हैंड राइटिंग चेंज होता रहता है, बार-बार वैसा नहीं होना चाहिए, वो केयरफुली उस कमीशन कॉपी को भरना है। ये वीडियो इस बात का प्रूफ है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, आपको कॉन्फिडेंस जगा होगा। अगर आपने गलती कर दी होगी तो भी आपका डर कम हुआ होगा, अगर आप केयरलेस हो रहे होंगे अब तक तो आगे से केयरलेस नहीं होंगे। इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।